हेलो चल तो भाई कैसे हैं आप लोग। सो यार बताता हूँ, अभी मैं लॉन्ड्री करने जा रहा था तो मैंने सोचा यार एक छोटा सा इसका व्लॉग बना लेता हूँ और आपको बताता हूँ। भाई जैसे मैं अपार्टमेंट में रहता हूँ तो यहाँ व्लॉग मतलब यहाँ अगर आपको लॉन्ड्री करनी है तो उसका क्या सिस्टम रहता है पूरा। वैसे तो अगर आपने मेरा पूरा अपार्टमेंट का वीडियो देखा उसमें मैंने हर एक चीज़ बताई थी, बट मैंने सोचा एक पूरी इसके ऊपर डेडिकेटेड बनाता हूँ कि लॉन्ड्री का क्या हिसाब रहता है, कितने रुपये लगते हैं और क्या होता है। तो यार चलते हैं, अभी पहले हमारा लॉन्ड्री का बैग तैयार हो गया, आपको दिखाता हूँ। ये रहा लॉन्ड्री का बैग, ये हो गया हमारा लिक्विड। तो यहाँ पर जो लॉन्ड्री मशीन्स है मतलब हर अपार्टमेंट में ग्राउंड फ्लोर पे ही होती है, ऐसा नहीं होता कि भाई सबकी पर्सनल एक होती है अपने। तो भाई चलते हैं अपने लिफ्ट पे, ये लिफ्ट हमारी, अब वेट करते हैं। वैसे बता दूं अभी जो कितने बज रहे हैं, अभी बज रहे हैं रात के आप पौने बारह, मतलब 11:30 पौने 12 बज रहे हैं। तो यार सोचा कि दिन में ऐसे हो जाता है टाइम मिलता है नहीं मिलता, सोचा कि हम रात को लॉन्ड्री कर लेते हैं। अब इसमें अराउंड टोटल मतलब 2 घंटे के आसपास लगे। चलो लिफ्ट आ गए अपने, पहले लिफ्ट में चलते हैं, हमें जाना है मेन फ्लोर। वैसे भाई आपको बता दूं आज यहाँ पर शाम को इतनी तकड़ी बारिश आई थी यार, बारिश तूफान इतना तगड़ा आया था, बहुत ही ज्यादा कहरा, पर अब मौसम साफ है सो कुछ नहीं कह सकते यार। इतनी तेज बारिश आई थी बाहर ही नहीं निकल सकते थे, ऐसा आंधी तूफान आए थे। तो ठीक है भाई, घर में बैठे क्या ही कर सकते हैं, मेन फ्लोर पे राइट, ये ऐसी बाहर का एरिया बैठने बैठने का। तो भाई यहाँ पर है हमारी ये लॉन्ड्री का सेक्शन, ये भी अंदर आपको लॉन्ड्रीज दिख रही होंगी। यहाँ पर एंट्री करने के लिए आपको यहाँ का फॉग दिया होता है बिल्डिंग का, वो आपको दबाना है। गेट खुल गया, चलते हैं भाई। सो भाई ये भी सारी लॉन्ड्री मशीन्स देखो, ये सब लॉन्ड्री मशीन्स हैं, कितनी है टोटल, 6 12 6 इधर 6 उधर 12 लॉन्ड्री मशीन्स हैं और ये ड्रायर्स हो गए सारे करने की। पहले देखते हैं अपने कार्ड में पैसे हैं नहीं है, कार्ड दिखा देता हूँ आपको। और यह है मशीन, ये भी सारी इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं इस पर, कार्ड कार्ड कार्ड। तो भाई ये रहा हमारा लॉन्ड्री कार्ड, इसमें आप पैसे लोड कर सकते हो अपने क्रेडिट कार्ड से। अभी हम चेक कर तो यहाँ पर क्रेडिट कार्ड वेडिट कार्ड से अपने पैसे लोड कर सकते हो। अभी हम चेक करते हैं अगर पैसे नहीं होंगे इसमें तो लोड करेंगे। अपना ने डाला, अभी रीड हो रहा है कार्ड। तो अभी हमारे इसमें कितने डॉलर हैं, तो 6 डॉलर पड़े हैं, तो आज का काम हो जाएगा। सो भाई ये थी हमारी मशीन, ये थे हमारे अब हमारे धोने के, पहले अपने कार्ड को रख लेते हैं जेब में। तो यार डालते हैं इसमें कपड़े, अब देखो डोर क्लोज करने के बाद यहाँ पर हमें डालना होता है अपना लिक्विड। यहाँ पर यार जैसे हम इंडिया में वो डिटर्जेंट यूज़ करते थे ना, वो पाउडर वाला, मैंने अभी तक यहाँ पर एक बार यूज़ नहीं करा, सब ये लिक्विड ही यूज़ करते हैं, टाइड का मतलब किसी भी कंपनी का ले लो। तो टाइड का हम लाते हैं, ये लिक्विड लिया। यहाँ पर देखो आपको मैक्स दिख रहा है, वहाँ तक भर सकते हो, वहाँ तक भरा हमने, वो हल्का कोई दिक्कत नहीं, हल्का से ऊपर गया, इसे बंद करा, हो गया बंद। अब देखो यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हो, आपको लाइट रखना है, मीडियम रखना है, हैवी रखना है। अगर आप मीडियम करोगे तो 2.75, हैवी रखोगे तो 3। हम अपना मीडियम रखते हैं, ठीक है। अब ये साइकिल भाई आपको नॉर्मल टेम्परेचर या डेलिकेट टेम्परेचर, हॉट वार्म या कोल्ड कैसा रखना है, सो हमने ये सेट कर लिया, 2.75 है। इसके अंदर डालो लॉन्ड्री कार्ड, कार्ड डिटेक्ट हो गया, पुल कार्ड, प्रेस स्टार्ट, आई डोंट नो यार क्या हो रहा था, मीडियम पे चली नहीं थी लाइट वगैरह, तो अब देखो एक बार में हो गया।
देखो पैसे कट गए, पैसे कटने की आवाज़ आ गई, $4 कुछ सेंट्स रह गए और ये अब हो गई हमारी मशीन स्टार्ट। अब देखो कितना टोटल टाइम है इसमें, 28 मिनट लगेंगे इसे धोने में। तो इसलिए यार मैं कहता हूँ जब भी आप जैसे कैनेडा आ रहे हो, कम से कम यार आपके पास अच्छे खासे अंडर गारमेंट्स होने, जैसे 13-14 होने चाहिए। तो आपको हर हफ्ते लॉन्ड्री नहीं करनी पड़ेगी, आप 2 हफ्ते में एक बार लॉन्ड्री कर सकते हो। अब जैसे मैं भी भाई कभी हफ्ते में कर लेता हूँ, कभी कभी 2 हफ्ते में भी कर लेता हूँ, जिससे भाई अपने ज़्यादा पैसा भी नहीं खर्चो, क्योंकि अब देखो अपने ड्रायर भी करना है, उसमें भी पैसा लगेगा। तो अभी 28 मिनट तक हो रही है, पहले इसे होन देते हैं एक बार। यार आपको इतने बाहर दिखा, वैसे तो अंधेरा हो रहा है, वैसे तो अंधेरा हो रहा है बाहर, पर फिर भी एक बार देख के आते हैं कि कैसा मौसम है इस वक्त। अपने लॉन्ड्री बैग को रखा हमने यहाँ, तो यहाँ पर आके एक लॉन्ड्री बैग ले लोगे, कोई टेंशन। लॉन्ड्री बैग आपको डॉलर में से आसानी से $3-4 का मिल जाता है, तो इंडिया से लाने की ज़रूरत नहीं है लॉन्ड्री बैग। लॉन्ड्री बैग इतने अपनी मशीन चल रही है, इतने चलते हैं बाहर। चाबी जेब में है ना? हाँ जेब में ही है। और आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए कर यार कमेंट सेक्शन में बता दिया करो, मैं रिप्लाई करके मतलब सब बता दूंगा, मैं बता दूंगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है। यार भारत आज तो अच्छा मौसम हो रहा है, देखो बारिश वारिश तो कुछ है नहीं यार, अंधेरा हो रहा है इसलिए आपको ठीक से दिखेगा नहीं, बट स्टिल चांद तो नहीं दिख रहा, चांद तो नहीं दिख रहा, पर तारे जो दिख रहे हैं। तो चलते हैं अंदर वापिस, तो अब आध घंटे बाद आते हैं आराम से अपनी लॉन्ड्री लेने। अब देखो ये जो अपार्टमेंट है, अगर मैं आपको अगर घुसना होता है तो घुसने के लिए भी आपको यही फॉग चाहिए होता है। तो भाई यहाँ पर यही सिस्टम है, इसलिए रात को कोई भी ऐसे ही नहीं घुस सकता कि कोई भी जैसे स्केची पर्सन या होमलेस आके घुस गया, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। सो इसलिए ये अच्छी चीज़ है। सो अब हम चलते हैं यार, आपको मिलते हैं 28 मिनट बाद। सो देखो यार ये अभी हो गया है, लिखा भी आ रहा है ओपन डोर आ रहा है ना, तो अभी इसे खोलते हैं। इसमें कपड़े हैं, पहले इसे ये हमारा ड्रायर हो गया, डायरेक्ट इसमें शिफ्ट करते हैं। इसमें पहले यहाँ चेक कर लेते हैं साफ करके गया। यहाँ पर क्या होता है जैसे हम कपड़े धोते हैं ना, तो यहाँ पर बहुत सारी क्या बोलते हैं रुए रुए से कट हो जाते हैं, तो जो धोता है वो साफ करके जाता है अपने, कभी कभी नहीं भी होता तो एक बार चेक कर लेना चाहिए। तो पहले सारे कपड़े यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, तो ये हो गए सारे कपड़े ट्रांसफ़र। इसमें एक चीज़ है अगर आपके पास पता है, अगर आपके ज़्यादा कपड़े हैं तो आप मतलब दो अलग अलग मशीन में उन्हें कपड़ों को वॉश कर लो, बट ड्रायर एक में कर सकते हो क्योंकि बहुत बड़ा ड्रायर होता है, तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर से वही अपना कार्ड लगाना, देखो कितना प्राइस है, $1.5 है यार। तो ये हमारी टॉप ड्रायर का है, ये बॉटम ड्रायर का हमने ऊपर वाले में डाले, तो इस वाले में हमें कार्ड लगाना है। सो डालते हैं भाई अपना कार्ड, कार्ड रीड हो रहा है, बैलेंस $1.5 कट गया, स्टार्ट हो गया। सो अपने कपड़े ड्राई होने स्टार्ट हो गए, अब जब निकलेंगे बिल्कुल ऐसे निकलेंगे, मतलब बिल्कुल बढ़िया सूख के निकलेंगे गरम गरम। सो अब यार अभी इसमें कितना टाइम है वो देखना, चेक करना भूल गया। अब देखो अभी इसमें लगेंगे 50 मिनट, तो इतने और ऊपर चलते हैं, थोड़ी रील स्क्रॉल करते हैं बैठ के। ये रहा तारक मेहता सुपर मेसी, तारक मेहता की सुपर, तारक मेहता रील। तो भाई चलते हैं यार अपने, अभी 1 घंटा टाइम पास करते हैं। तो भाई 1 घंटे बाद आए हैं, अब ये हो चुका है सारे कपड़े, देखो कैसे गरम गरम निकला बिल्कुल। देखो यार जो मैं आपको फॉर्म मतलब रुए के बारे में बता रहा था, जो जाने से पहले भाई सब अपने साफ करते थे, ये रहा जो रुए निकलते हैं, ये रहा इतना सारा यार। तो भाई पता नहीं इतना सारा कौन सा कपड़ा मैं से निकाल लेता है, तो इसे फेंकना होता है यार। सो आई होप यार आपको ये तो क्लियर हो गया होगा भाई अपार्टमेंट में लॉन्ड्री वॉन्ड्री का क्या हिसाब रहता है पूरा। अगर अभी भी कोई आपका डाउट है किसी भी चीज़ से रिगार्डिंग, तो कमेंट सेक्शन में बता देना। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।